और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी टीम ने रणथंभौर एक्सप्रेस से जोधपुर इंदौर 12,466 गाड़ी नंबर पर जाकर लोगों से बातचीत की, तो ज्यादातर लोगों ने अपना खाना जो लेकर आए थे ट्रेन में, तो वहीं कुछ लोगों ने बताया रेलवे का खाना सस्ता भी नहीं है और बिल्कुल बेकार निकलता है। इस समय हम जोधपुर रेलवे स्टेशन पर है। यह है पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। बड़ी संख्या में यात्री यहाँ मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, जिनका सफ़र परीक्षा देने और दूसरे कामों से इनका होता रहता है। इनसे पूछते हैं कि जो ट्रेन में खाना मिल रहा है क्या क्वालिटी होती है उसकी? सर, खाने की क्वालिटी तो इतनी अच्छी भी नहीं होती है, पर ये कहना चाहूँगा कि ना इस सिस्टम के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है और क्वालिटी चेक बिल्कुल नहीं होती, कैसा खाना जा रहा है पेंट्री से और खाना किस तरीके से पकता भी है, तो उसका क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया जाता। मेन चीज़ वो होती है कि पेंट्री की कार को साफ सफाई से उससे वो ध्यान नहीं दिया, चूहे कूद रहे होते हैं अंदर, तो उन बातों का थोड़ा ध्यान दिया जाए और कंट्रोलिंग की जाए इन चीज़ों पर। चूहे देखे आपने? बिल्कुल, बहुत बार देखे, ट्रेन में सफर तो होता रहता है, ट्रेन ही तो है जीवन की जिंदगी है। तो आपने खाया है? लेकिन इतने अच्छी क्वालिटी का कभी नहीं, अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता जी। फास्ट फूड मिलता है जो भी बहुत गंदा है, मतलब बीमार करने वाला फास्ट फूड मिलता है, जब बच्चे बीमार हो जाते हैं। जब भी हम एग्जाम, एक बार मेरे साथ हुआ था, मैं एग्जाम देने गया था यहाँ से बाड़मेर ही था, तो वहाँ मैंने खाया फास्ट फूड ट्रेन में, तो मैं आगे जाके बीमार हो गया, मेरा पेट खराब हो गया, फिर उसमें मैं मतलब अच्छी तरह से वो मतलब दे नहीं पाया एग्जाम फाइट की, बहुत दिक्कत आती है। खाने में भी बहुत तकलीफ होती है और समय पर ट्रेन भी नहीं होती है, तो वो भी परेशानी करती है। आपने खाया ट्रेन में खाना कभी? हाँ जी, ट्रेन में खाया। जैसे हम जैसे सोच सकते हैं, तो सर जैसे पिछली सरकार से जब जितने पिछले समय की बात कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी वर्तमान के समय में अच्छा खाना मिल रहा है। जैसे मोदी की सरकार है, तो हम विश्वास कर सकते हैं कि मोदी है तो मतलब सब कुछ ठीक तरीके से और अच्छी तरीके से चलेगा। कई जगह तो अच्छी तरीके से जो खाना है मिल रहा है, कई तो जैसे ये चाउमीन है, फास्ट फूड है, इसमें अच्छे से जो खाना नहीं हो रहा, जो प्रॉपर जो वेजिटेबल हो रहा है वो अच्छे से मिल रहा है। इन स्टूडेंट्स का, इन यात्रियों का कहना है कि ट्रेन में खाना अच्छा नहीं मिलता। यात्रियों का यहाँ तक कहना है कि चूहे कूदते रहते हैं पेंट्री कार में, खाने पे कूदते रहते हैं। एक स्टूडेंट ने तो इतना तक बताया कि वो परीक्षा देने जा रहा था और इस खाने के कारण बीमार हो गया और उसकी परीक्षा भी अच्छी नहीं दे पाया। ये सारे जो इन लोगों के बयान हैं वो कैग की उस रिपोर्ट की पुष्टि करते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि रेलों में मिलने वाला खाना इंसानों के खाने लायक नहीं है। कैमरा पर्सन संजय असोपा के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज राजस्थान। और भाई, ट्रेन के खाने को लेकर कुछ और लोगों से भी बातचीत की गई, क्या कुछ उनका कहना है सुनवाते हैं। तुम कभी खाया हो कोई? बहुत बार खाया, गंदा तो नहीं कह सकते, बट हाँ, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। एटलीस्ट इट्स नॉट एवरी वन पर्सन के ट्रेन में हाइजीन होता ही है खाना, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। हाँ, वो एक्चुअली ऐसे यह हुआ कि तुम रनवे मतलब इम्पोर्टेंट है जाना और तुम घर पे ब्रेकफास्ट नहीं है तो खाया है ऐसे। हाँ, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। अतुल चौधरी, हाँ जी, काफ़ी 5-7 साल पहले एक दो बार खाना खाया ट्रेन के अंदर, यूज टू विजिट फ्रॉम दिल्ली टू रांची। बाय दैट टाइम थोड़ा सा एनर्जी फील हुआ एक दो बार, तो अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। अब जहाँ तक होता है घर से इंक्वायरी करके लाते हो, अपना फूड जितना हो सके पॉसिबल, जितना सा फास्ट फूड की तरह कुछ हल्का फुल्का, बस इतना सा। कैटरिंग वैसे थोड़ी बेहतर होता है, जैसा अभी पिछले दिनों कुछ ओपिनियन सबने देखे हैं टीवी के अंदर बहुत सारे, और लाइव भी कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया कि बहुत ज़्यादा मतलब अनहाइजीनिक फूड है, इस वजह से अवॉइड किया जाए। बेकार खाना है ये देखिए, रोटी की हालत देखिए इतनी, अब कच्ची रोटी है और ये आलू की सब्जी देखिए पानी के जैसी है, तो ये सब छोड़ना पड़ा है हमें। क्यों, हाइजीनिक नहीं लगा क्या? नहीं जी, अच्छा नहीं है। और चार्जेस भी पूरे लिए 180 रुपीज़ इसके थाली के लिए इन्होंने, और मार्केट के अंदर 160 के अंदर एकदम बढ़िया थाली होती है। ऐसे ही दो चपाती दी है और उसमें मेंशन किया था 3 चपाती का। चपाती भी दो ही थी। आप कहाँ के रहने वाले? जोधपुर से। जोधपुर से, क्या नाम है? कपिल बंसल। कहाँ जा रहे हैं? अभी हम सवाई माधोपुर। तो आप अब आगे से खाएंगे ट्रेन? नहीं, कभी नहीं। इससे बढ़िया की कंपनी का स्नैक्स लेके वो ज्यादा। और इसके बाद हमारी टीम ने मुंबई सुपर 12,955 की पेंट्री का जायजा लिया, और यहाँ पर जो हकीकत सामने आई है
उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। रेलवे के वेंडर मुंबई सुशाइन कैटर्स के मैनेजर ने तो रेलवे पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। यात्रा करते करते मुंबई एक्सप्रेस से हम जयपुर स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और पहली कार का हमने जायजा लिया जिसमें कई खामियां पाई गई। आखिर क्या कारण है इन खामियों का, रेलवे की तरफ से जिनको टेंडर दे रखा है उनको क्या क्या समस्या है, इसके लिए हमारे साथ जो टेंडर जिस कंपनी का चल रहा है, जो यहाँ सुपरवाइजर है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और सर क्या क्या समस्या है आपको रेलवे में? एक्चुअली क्या है कि सर पहले तो अलग अलग टेंडर का ये कहाँ से आते हैं, ये इसके बाद में चाहता खाली ये कहाँ से आते हैं बस, और कोई मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है बस, जरूर जरूर चाहता हूँ ऐसी चीज़ के लिए। ये काफ़ी बात है, आपको लगता है रेलवे के अधिकारी मिले हुए? ये मैं क्या कह सकता हूँ, ये आते किसकी उससे है ये तो मैं कह नहीं सकता, पर आते हैं। आप वेंडर हैं जैसे आप कह रहे हैं ऑथराइज आते हैं, लेकिन आप ऑथराइज जो आपने सफाई नहीं रख सकी, क्या कारण है कि रेलवे आपका साथ नहीं दे रहा सफाई में? सफाई में नहीं दे रहा ना, ये फिर आपको कल पेंट्री आया था पूरा गंदा, कभी इतना साफ किया इतना ही साफ हुआ हमारे बस में जिन्हें हम साफ कर सके, उसका हम साफ नहीं हुआ, निशान नहीं छूट रहा है बस इतना ही है मेरे पास। कुछ चीज़ें आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं? हाँ प्लास्टिक कभी तो खाने के लिए नहीं लेते उसको, खाने के काम में नहीं लेते ना उसको। अभी तो आपने कहा कि बटर और वो सर है खाली ब्रेड पैक करते हैं आप, बटर ब्रेड का है क्या सैलरी कितना पैक कर जाएगी आप प्लेटफॉर्म पर देखिए सैलरी उसमें पहले ही पैक है अब देखिए इसको। आप नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है प्रधानमंत्री जी का, वो कहते हैं प्लास्टिक उपयोग नहीं करें, आप वेंडर हैं आप उपयोग कर रहे हैं तो आपको आगे से आप नहीं करेंगे? हाँ ये चीज़ आगे से कंट्रोल होगा सर, बिल्कुल ही बिल्कुल बंद कर दी जाएगी यहाँ से, यहाँ से आज आप वादा कर रहे हैं बिल्कुल आगे से नहीं करेंगे? नहीं होगा। और आपको रेलवे की तरफ से क्या सुविधाएं चाहिए? सुविधा अगर क्या होती है जो हमारे पास जो उधर साफ सफाई है उसका भी जो है मेन जोन बिल्कुल कबाड़ा एक तरीके से मेन जोन जो कबाड़ा किसके अंडर में आता है? मेरे रेलवे का ही रेलवे करेगी उसको ठेका दे दिया रेलवे उसको, तो अब इसकी देखो आप अच्छी देखिए इसको वीडियो बनाई करके यहाँ पर कितना पानी भर जाता है उसमें, अभी दो बूंद पानी के लगा पूरा गंदा हुआ था ये, अब कब तक साफ करवाएंगे इसको इस चीज़ को? तो ये रविंद्र से जिनका साफ तौर पर कहना है इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में जो सामने सच आया था कि प्लास्टिक उपयोग कर रहे हैं, कई तरह की खामियां यहाँ पे पाई गई, उन्होंने एडमिट किया है कि आगे से ये प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री का जो विजन है प्लास्टिक मुक्त भारत का उसको उसमें साथ देंगे, साथ ही इन्होंने जो खामियां है रेलवे की तरफ से उसको गिनाया। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इस तरह के पेंट्री हाउसेज में जो भी समस्या है उनका समाधान कब तक हो जाता है और आम जनता को अच्छा खाना कब तक मिल पाता है। कैमरामैन गिरीश के साथ जितेंद्र जेतनानी इंडिया न्यूज। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से बताते हैं सीएजी की रिपोर्ट की अहम बातें। तो खास बातें ये 74 रेलवे स्टेशन और 80 ट्रेनों की जांच के बाद सीएजी ने नतीजा निकाला, ट्रेनों में साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। इसके साथ ही साथ कई जगह मक्खी और धूल से बचाने के लिए खाना ढका हुआ भी नहीं मिला है। तो देखा आपने रेलवे का डरावना सच, इस सच को देखने के बाद अगली बार जब भी आप ट्रेन में सफर करें और बात खाने की आए तो ये तस्वीर के बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।